الله أكبر الله أكبر. मदीने से एहराम के बाद मीकात बांधा, थकावट हो गई, गर्मी हो गई, पसीना निकला, होटल में नहाने के लिए वॉशरूम गए, एहराम उतार के नहाने के बाद दोबारा कोई बात नहीं नहा लिया तो क्या हो, तो जब एहराम न उतारोगे तो नहाओगे कैसे? अगर उतार लिया तो आपका उमरा उसमें बंधा हुआ था, आधा तो भाग गया होगा। क्या जहलों वाली बातें, क्यों मुझे तंग करते हो भाई, कोई कसम खाई हुई है? फिर कहते हैं मगी जब नाराज हो, नाराज ना हो आदमी, भाई अल्लाह के बंदे हमाम में हर कोई जाते हैं, चादर उतार लेते हैं, आजकल कमोड है, हमारे देहाती लोग बेचारे कमोड यूज़ करना नहीं जानते, वो डर के मारे के पलीती ना हो कपड़े को लटका देते हैं ऊपर, कोई हाथी नहीं, कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ मदरसों से बच्चों को बुला के कुरान ख़त्म कराते हैं, ये बिदअत है, तुम खुद करो, घर वाले पर बैठ के पढ़ो। उम्रे की नीयत तो मैंने दिल में की, लेकिन तलबिया नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा के नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा फिर उम्रा नहीं होगा। अगर लब्बैक नहीं पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, सुभानअल्लाह पढ़ा, अल्लाह कुछ तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा फिर उम्रा नहीं होगा। हालांकि एहराम में नसवार रखना डबल हराम है। मैंने अपने वालिद जो जिंदा हैं 1,00,000 कलमा पढ़ के वक्फ किया है, उसका अजर मिलेगा? हाँ मिलेगा। मुझे समझ वैसे नहीं आती, वक्फ किया है क्या माना, स्टोर कर दिया है आपने उसको, चाबी आपके पास है या वालिद के पास है? महाराज ये कह दूं कि अल्लाह उसका सवाब तुम्हारे वालिद को दी। तीन साल हो गए मेरी मंगनी को, दुआ करेंगे शादी हो जाए, तुम पैसे शैसे इकट्ठे करो, हो जाएगी, भूखे नंगे को कौन देता है? बीस साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, बीवी को खावन ने कहा कि तुम किसी और मर्द के साथ रात गुजार लो, क्योंकि मैं तो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं। तो अब औरत को नफरत हो गई होनी चाहिए कि ऐसा बेगैरत और दयूस आदमी है जो बीवी को कहता है किसी और के पास जाके रात गुजारो। भाई तुम्हें औलाद के काबिल नहीं हो तो इलाज करवाओ, आजकल तो इलाज अभी कोई मुश्किल नहीं है, जदीद मेडिकल साइंस में बिल्कुल इलाज होता। सबसे बेहतर जिक्र जो है अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी बेटी को हमल है, अल्लाह औलाद साले अता फरमाए। आपने मेरी बीवी के लिए दुआ की, अल्लाह आप खैर दे। बहरहाल उसूल यही होता है कि मगरिब की अजान के बाद 2 रकात न पढ़ी जाएं तो अफजल है। बाद उलमा कहते हैं चूंकि यहाँ टाइम दिया जाता है, अगर इसमें पढ़ लें तो मुस्तहब की हद तक, लेकिन हनफी मसलक में न पढ़ना अफजल है। अल्लाहु अकबर अल्लाह।